अल्लाम नाज़ी एक नए खूबसूरत और रोशन दिन के साथ आफ्टरनून स्पेशल है ट्वेल्व में आपको खुश आमदीद कहते हैं मैं हूँ आपके साथ बुखारी आज जो गुफ्तु की शुरुआत है वो मैं रहमदिली से करना चाहूँगी आज हम बात करेंगे सिलाई रहमी पे और रहमदिली के हवाले से कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक छोटा सा जज्बा रहमदिली का किसी दूसरे इंसान की पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देता है ये आज की अच्छी बात भी है और इसके हवाले से आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मैंने शुरुआत यहाँ से क्यों की है कि सिलाई रहमी के हवाले से मैंने अपनी गुफ्तु को शुरू किया वो भी आपको बताएँगे मगर आफ्टरनून स्पेशल ट्वेल्व में आज सबसे पहले पाक इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से कल अच्छा दिन नहीं रहा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ने एक सौ बयालीस रन का हदफ दिया था मगर नौ विकटों से उसे शिकस्त हो गई कार्ड ऑफ में ये मैच खेला गया और इसकी शुरुआत किस तरह हुई इसका अख्तितम किस तरह हुआ इसकी तफसीला है हमारे पास आइए चल के सबसे पहले वो देख लेते हैं पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को नौ विकेटों से शिकस्त दी कार्ड ऑफ के मैदान में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने जीत के लिए इंग्लैंड को 142 सौ रन का हदफ दिया था जी इंग्लैंड की जानब से डेविड मिलान थे जिन्होंने सड़सठ और जैक क्रॉली अट्ठावन रन बनाकर नॉट आउट रहे पाकिस्तान की जानब से शाहीन शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया इस जीत के साथ इंग्लैंड को तीन मैचों पर मुश्तमल सीरीज़ में अभी तक एक सफर की बैठक हासिल हो चुकी है कबल अजी इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था आ, तो पाकिस्तान टीम की तरफ से मैच खेला गया मगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही कॉमी टीम की पहली विकेट इनिंग्स की पहली गेंद पे ही गिर गई थी आ, जब इमाम हक़ साकिब महमूद की गेंद पर एल बी डब्ल्यू आउट हो गए इस मौका पर कॉमी टीम के, के कप्तान बाबर आजम क्रीज़ पर आए और इनका सफ़र भी महज दो गेंदों तक महदूद रहा तो अब हम समझ सकते हैं कि क्यों इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई जब जिन प्लेयर्स से हमें उम्मीद की जा सकती थी कि अच्छा बहुत आला परफॉर्म करके दिखाएंगे जब पहली पहली गेंदों पे आउट हो के पवेलियन लौट गए तो फिर बाकी टीम से और पाकिस्तान टीम का तो ये एक हिस्ट्री रही है कि हमारी एक विकेट गिर जाए तो फिर उसके बाद लाइनें लग जाती हैं पता नहीं ऐसा क्यों होता है पता नहीं हम अपनी तारीख को क्यों बार बार दोहराते रहते हैं इसको बदल क्यों नहीं पा रहे लेकिन खैर हमारे साथ यही होता है